आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश में एक और जहां बेरोजगार युवक रोजगार की मांग को लेकर सड़कों में आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम दावों की सच्चाई जमीनी स्तर पर कितनी सही है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक ऐसा ही मामला हजारीबाग मुख्यालय में जनपद कार्यालय में देखने को मिला, जहां से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन पत्र ने 18 से 37 वर्ष की आयु के युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी, जिसमें 14,500 से लेकर 18,500 तक का वेतन देना बताया गया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब अभ्यर्थियों से 200 की जगह 8,000 रुपए की अतिरिक्त मांग की गई तो युवकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। दूर दराज गांव से आए युवाओं ने जब विज्ञापन पत्र के आधार पर अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने 8,000 देने की बात ही चयन प्रक्रिया में शामिल होने की बात कही। 8,000 बता रहे हैं, 150-200 पब्लिक है, कम फोन में इतनी करवाई जा रही है। देखिए भाई, 150-200 पब्लिक है, आठ दिन पब्लिक जा रही है, 150-200 इसका ले लिया है। वहीं विज्ञापन पत्र में यह कहीं नहीं कहा गया कि उन्हें कहां नौकरी दी जाएगी, लेकिन जब अभ्यर्थी वहां पहुंचे तो पता चला कि उन्हें हैदराबाद भेजा जाएगा, जहां उनकी ट्रेनिंग होगी और वहीं पोस्टिंग भी की जाएगी, लेकिन इस बात का उल्लेख विज्ञापन पत्र में नहीं किया गया, जिसे लेकर जनपद कार्यालय रीवा में आज काफी देर तक हंगामे की स्थिति निर्मित रही है। हाँ, पर्चा देख के फॉर्म भी जमा किए, बोले कि इस फॉर्म में, हम बोले आप सोचे कि रीवा जिले में भर्ती होगी, लेकिन हैदराबाद में मैं भी ले चलने के लिए तैयार था हैदराबाद, बोले जब से बोल दिया 8,000 रुपये लगा, मेरे पास है नहीं पैसा, मैं 8,000 कहाँ से दूंगा। इसीलिए कोई दौड़ वगैरह फिजिकल टेस्ट भी किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ कागज के लिए बोले ट्रेनिंग वहाँ देंगे, लेकिन आप 8,000 रुपये दीजिए, मेरे पास 8,000 ही नहीं है, तो मैं ये तय कहाँ से, मैं बहरी वहाँ से आऊँ। अंकु मिश्रा, आप भी यहाँ भर्ती में आए? जी भर्ती में आए सर, सुनील कुमार चतुर्वेदी। यहाँ जो आप पर्चा देके आए थे, तो अभी आपसे क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कि आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको 8,000 रुपए लगेगा। कहाँ भेज रहे हैं आप? हैदराबाद में। आपको पता था पहले से? नहीं नहीं, रीवा के लिए पता था, इसलिए आ गए आराम से। अभी आज मेरी मीटिंग है, उसके मीटिंग में ही नहीं जा पाया, उसके वजह से मीटिंग छोड़ के यहाँ आ गए, गवर्नमेंट की मीटिंग थी। भैया, मैं ग्राम पंचायत बांसी का 20 क्रमांक वार्ड का पंच हूँ। कल ये सभागार कक्ष में हम लोगों को बुलवाया गया था प्रशिक्षण के लिए, जिसमें प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद बोला गया कि कल जनपद रीवा में 2 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्र के जो जनपद रीवा में अंतर्गत सभी गांव आते, लगभग 92 पंचायत, इन सभी गाँवों के युवा को जैसे 18 से 35 वर्ष के हैं, उन सबको सेना में भर्ती दी जाएगी। ये सेना का पर्चा मैं आपको दे चुका हूँ, उसमें भर्ती दी जाएगी। शुल्क केवल 200 रुपये लगेगा, जो कि इस पर्चे में दर्ज है। पर यहाँ हमने लगभग 30 से 40 बच्चों को लेके आए, ये सब मेरे साथी हैं, ये सब हम लोगों के बुलाने पर आए हैं। कोई कहीं से कर्जा लेके आया, तेल डलवाया, मैं तो 5 किलो गेहूँ बेचा हूँ, फिर अपनी गाड़ी में तेल डलवाया हूँ, तब आया हूँ। पर यहाँ आने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है, फिर बोलते हैं अब 200 रुपये नहीं, अब आपको 8,000 रुपये देना होगा। बताइए, अगर ये लोग पहले इसी पर्चे में डाल देते हैं कि आपको 8,000 रुपये देना, तो ये जो बच्चे सब आए हैं, इनका जो नुकसान हुआ है वो नहीं होता। कम से कम ये 30 बच्चे आए हैं, ये मेरे साथी, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ कंपनी का रूल है 8,000 रुपये लगेगा, जबकि इसमें पर्चे में केवल 200 रुपये इन्होंने दिया है। ये कोई सिक्योरिटी कंपनी है, वो कैप्टन सिक्योरिटी है बताई जा रही है, पर ये 200 रुपये बोली थी जो कि पर्चे में दर्ज है, पर अब ये 8,000 रुपये मांग रही है। पता नहीं ये किस हिसाब से मांग रही है और बच्चों को गुमराह करके मांग रही है। आप ये बताइए कि जो बच्चा 5 रुपए लेकर के आया नहीं है, वो 8,000 कहाँ से देगा, बताइए।
उसमें रीवा लिखा था तो हैदराबाद बता रहा। बताइए रीवा लिखा है हैदराबाद में देना, उससे हमें कोई समस्या नहीं कहीं भी दो भारत के कोने में, पर आपने अगर 200 रुपए लिखा है तो 200 रुपए लीजिए ना भाई, आप क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। अगर आपको 8000 लेना था, 8 नहीं आप 10 लो, आप नहीं 8 नहीं 10 लो, पर जैसे आपने 200 रुपए लिखा है वैसे आपको 8000 रुपए वर्दी शुल्क है, खाने का है, रहने का है, आप लिख देते। जिन बच्चों की जिन बच्चों की हैसियत थी कि 8,82,000 दे सकते थे वही आते भाई, जिनकी हैसियत नहीं है जैसे हमारी हैसियत नहीं है तो मैं ना आता। अब बताइए इस तरीके से बच्चों को गुमराह करते हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए इनको। कुछ भर्ती चल रही है जिसमें बाहर कुछ छात्रों का आरोप है कि उनसे पैसा मांगा जा रहा है। अच्छा, जिला प्रशासन के द्वारा ये रोजगार शिविर का आयोजन किया जा, इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। ट्रेनिंग एक्चुअल में क्या है, स्किल इंडिया के तहत इनको एक मंथ की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनको रहना फ्री है, तीनों टाइम का भोजन फ्री है और ट्रेनिंग फ्री है। इसमें सुरक्षा के से संबंधित काम है तो उसमें ड्रेस होती है, सर्दी गर्मी बरसात तीनों की हम इनको ड्रेस देते हैं, तीन पैंट शर्ट जर्किन स्वेटर हाफ पैंट स्पोर्ट्स शूज DMS। तो इसका जो चार्ज रहता है, जो लोग फाइनल चयन होते हैं उन लोगों को वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाके जमा करना पड़ता है, और इनकी मेडिकल जाँच विकलांग वगैरह नहीं ले रहे हम लोग, विकलांग वगैरह बाकी नॉर्मल जो 18 से 37 साल के युवा हैं जो वास्तव में काम करना चाहते हैं, तो हम लोग 28-29 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। 29 राज्यों में इनको ऑल ओवर 29 राज्यों में हम पोस्टिंग देते हैं। अभी इनिशियल लो में इनको हैदराबाद में ट्रेनिंग देंगे, हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग देंगे। 3 महीने बाद जो अच्छा काम करेगा उनको प्रमोशन के भी और वो अदर पोस्ट इनको ऑफर की जाएगी। सर, जो ये इसमें प्रचार छपाया गया था, जो सूचना दी गई थी, इनका ये कहना है कि इनको ये नहीं बताया गया था कि आप हैदराबाद भेज रहे हैं। नहीं तो अब पेपर में हमने पेपर में दैनिक जागरण में एड दिया है, जब इतना तो इतना बड़ा तो दे नहीं सकते कि 1.5 लाख रुपए का कैसे सब पेपर में पूरे एक चीज़ छपवा है। उसमें देखा है रजिस्ट्रेशन मेडिकल का 200 रुपये छपा हुआ है, जो प्रशासन से हमारी चर्चा हुई उसमें 8,000 रुपये हमने उसमें मेंशन कराया, लेटर में 8,000 रुपये भी मेंशन है, वो ग्रुप में सभी को शेयर हुआ है। ये चीज़ ये नहीं है कि आप यहाँ नौकरी देंगे या बाहर देंगे, तो ये तो सर है ना पूरी हर चीज़ तो है ना लिख नहीं सकते कि बाहर देंगे नहीं, जहाँ जरूरत होगी वह कंपनी वहाँ भेजेगी। कंपनी सर कौन सी है? ये कैपिस्टन सर्विस लिमिटेड है, इसके द्वारा ये रोजगार शिविर का आयोजन हो रहा है जिला प्रशासन की अनुमति से। कमल सिंह राजपूत।